मॉनसून के मौसम के दौरान इन दिनों लोगों में आई फ्लू की समस्या बढ़ती जा रही है। ये बीमारी बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी देखने को मिल रही है। आई फ्लू की बढ़ती समस्या को देखते हुए सभी को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है। एक्सपर्ट का कहना है कि हाल के कुछ दिनों से स्वास्थ्य संस्थाओं से आंखों की समस्या के जितने भी मरीज आ रहे हैं उनमें से लगभग 70% आई फ्लू के मरीज पाए जा रहे हैं। इस बीमारी में आंखों का लाल होना, आंखों में सूजन होना, आंखों में पानी आना मेन सिम्टम्स है। ये बीमारी वायरस कंजक्टिवाइटिस कहलाती है और इसे ठीक होने में तकरीबन 7 से 10 दिन तक लग जाते हैं। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी से अनुरोध है कि जिन बच्चों में इस बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं उन बच्चों को स्कूल ना भेजें। वहीं स्कूल अथॉरिटीज से भी अनुरोध है कि वो सतर्क रहें और ऐसे बच्चों को उनके घर भेज दें ताकि स्कूल के दूसरे बच्चों को ये बीमारी से बचाया जा सके। एक्सपर्ट ने बताया कि आंखों की बीमारी छोटे बच्चों में काफी ज्यादा फैल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आंखें दर्द कर रही हैं उन्हें साबुन से हाथों को बार बार धोते रहना चाहिए और आंखों पर काला चश्मा जरूर लगा के रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक आई ड्रॉप से होता है जो कि मरीज को आंखों में थोड़े थोड़े टाइम पर डालना चाहिए। अब जिन लोगों की आंखों में हल्के लक्षण महसूस हो रहे हैं ऐसे में आप कौन से आयुर्वेदिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आता है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप। ये टॉप यूजर रेटिंग वाली लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है। ये आंख में होने वाले कई तरह के इरिटेशन को कम कर सकता है। ये ड्रॉप आंखों में मौजूद कॉन्टैक्ट लेंस को भी साफ कर सकती है। ये स्टेरॉयल और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये 8 ml की आई ड्रॉप है। इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एलशैम आई ड्रॉप, ये कंप्लीट आई केयर हर्बल ड्रॉप है। इसे 100% आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। इसमें आमला की, जांबीर, पुनर्वा, निर्गुनी और पलाश की जैसे कई हर्बल प्रोडक्ट्स के गुण मिल सकते हैं। इसे सील तोड़ने के 1 महीने के अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस ड्रॉप को डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं आई रेडनेस रिलीफ आई ड्रॉप की। ये रेड आई इन्फेक्शन को कम करने में काफी हेल्पफुल है। इसे 1000 से ज्यादा यूजर्स ने 4.5 स्टार्स की रेटिंग दी है। इसके इस्तेमाल से आपको कई तरह के इरिटेशन से भी सुरक्षा मिलती है। ये इस्तेमाल करने में सुरक्षित है। ये ड्राइनेस और जलन को भी कम कर सकता है। आइसोटीन आई ड्रॉप, ये 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई आई ड्रॉप है। इसमें आपको आंवला, चंदन, अश्वगंधा और पलाश के एक्सट्रैक्ट्स भी मिल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से किसी तरह के साइड इफेक्ट्स की बात नहीं कही गई है। इसे आयुष मिनिस्ट्री द्वारा सर्टिफाइड किया गया है। ये एलर्जी को कम करने में काफी हेल्पफुल है। अब बात करते हैं पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप की। अगर आपको आंखों में हल्के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ऐसे में आप पतंजलि आई दृष्टि आई ड्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफी नेचुरल है। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी आई फ्लू की समस्या काफी ज्यादा है, आपको रेडनेस, आंखों में दर्द, आंखों में जलन महसूस हो रही है, तो ऐसे में आयुर्वेदिक उपचार नहीं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।